हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्मार्ट अकेडमी। सो लेट अस बिगिन विद द करंट अफेयर्स वी हैव। ओके, द फर्स्ट न्यूज वी हैव टुडे इज न्यूजीलैंड ऑन June 8, 2020 डिक्लेयर इटसेल्फ COVID-19 फ्री फॉलोइंग द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट पेशेंट। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को COVID-19 फ्री बता दिया है। न्यूजीलैंड ऑन June 8 डिक्लेयर इटसेल्फ COVID-19 फ्री फॉलोइंग द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट पेशेंट। द कंट्री हैज नॉट रिपोर्टेड एनी न्यू कोरोना वायरस पॉजिटिव केस इन लास्ट 17 डेज। विद दिस ऑल द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज अक्रॉस द कंट्री विल बी लिफ्टेड ऑफ, इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग। हाउएवर द कंट्री विल कंटिन्यू टू फॉलो स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स। ठीक है, तो ऐसे तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो सारी हटा दी गई है, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल्स में फिर भी स्ट्रिक्टनेस रखी जाएगी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के बारे में है कि उनके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, नाउ गर्सैन डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो देहरादून पहले से ही उत्तराखंड की कैपिटल है, लेकिन समर कैपिटल गर्सैन को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड भरसैन, ऑल्सो नॉन एज गर्सैन, एज न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। गर्सैन इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। विद दिस उत्तराखंड बिकम्स द सेकेंड स्टेट और यूटी आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर टू हैव टू कैपिटल्स। ठीक है, समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल। द अनदर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। ठीक है, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो गर्सैन इसकी समर कैपिटल बना दी गई है। जियो इन्वेस्टेड डील, अबू धाबी इन्वेस्टेड अथॉरिटी दैट इज ATIA गेट्स 1.16% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स थ्रू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,683.50 करोड़। ठीक है, रिलायंस जियो हैज एंटर्ड इन टू अनदर इन्वेस्टमेंट डील विद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। द UAE based ADIA has backed 1.16% stake in Jio platforms through an investment of ₹10 crore. ठीक है, the deal comes just 3 days after Abu Dhabi based Mubadala investment company took 1.85% stake in Jio platforms. ठीक है, तो अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है ये कि अबू धाबी बेस्ड जो मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसने जियो जियो में जो है कितना स्टेक लिया है, 1.85%। ठीक है, तो अभी रीसेंट न्यूज जो भी है ये जियो से रिलेटेड, इसने भी हमारे जियो में जो है स्टेक लिया है, और बहुत सारी और कंपनीज भी है। अभी लास्ट 6-7 वीक में बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने जियो में स्टेक खरीदा है। ठीक है, तो अभी रिसेंट न्यूज में ADIA जो है उसने 1.16% स्टेक लिया है। मॉर्गन स्टैनली प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल एडवाइस टू रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कैरी इट दिस डील विद ADIA एंड AZB एंड पार्टनर्स एंड डेविस पोल्क एंड वॉर्डवेल प्रोवाइडेड द लीगल काउंसिल। ओके, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अबाउट जियो, हेडक्वार्टर इनका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। कन्नड़ा एक्टर चिरंजीवी सर्जा पासिस अवे एट 39 एज। ठीक है, चिरंजीवी सर्जा एक्टेड इन 22 फिल्म स्टार्टिंग विद 2009 फिल्म वायुपुत्र विच अर्न हिम इनोवेटिव फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू मेल। ठीक है, तो ये पास्ट अवे, ये गुजर गए 7 जून को एट अपोलो हॉस्पिटल इन जयनगर बेंगलुरु। ठीक है, इनको हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई और 39 इनकी एज थी। सेंसिस NPR मई बी पुश टू 2021 ड्यू टू COVID-19। ठीक है, जो तो जो सेंसिस हो रहे थे NPR के, ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, तो ये अब 2021 को शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, COVID-19 के रहते हैं। एज पर द करंट गाइडलाइंस द सेंसिस 2021 वॉज टू बी हेल्ड इन 2 फेजेस, बट considering the COVID-19 outbreak in the country, some experts have mentioned that reworking of census timelines might be inevitable. ठीक है, ठीक है, तो ये अप्रैल से सितंबर के बीच में होना था इनका। ठीक है, पर COVID-19 की वजह से ये अब
2021 में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एज द प्रोसेस रिमेन सस्पेंडेड ड्यू टू द नेशनल वाइड लॉकडाउन एंड द राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन द कंट्री, एन असेसमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू बी टेकन वेदर द रिमेनिंग 3 months आफ्टर द जून 2020 विल प्रोवाइड एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ए ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू स्टार्ट एंड कम्प्लीट द फेज वन ऑफ द डेसिनियल एक्सरसाइज। डेसिनियल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, जो कि 10 साल में एक बार आती है, ठीक है। तो ये एनपीआर भी 10 साल में एक बार आता है, ठीक है। फेज वन इसका देख रहे हैं कि जून के बाद हमारा इतना टाइम मिल जाएगा कि हम फेज वन को कंप्लीट कर पाए सारी स्टेट्स और यूटीज में, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये इट इज़ अ डाटाबेस ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, सिटीजन और नॉट, बट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज अ डाटाबेस ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है। और एक एनआरसी था, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन थी। तो एनआरसी क्या होता है, इसमें प्रूफ चाहिए होता है सिटीजनशिप का, ठीक है। जैसे कि हमारे फेस का या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बस एक देखा जाता है कि सिटीजन कितने रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक वॉन्स ऑफ ड्रॉप इन इंडियन जीडीपी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है वॉर्न किया है इंडिया में कि हमारी जो है जीडीपी फॉल हो सकती है, बहुत हो सकती है, क्या हुई चुकी है, ठीक है। ओनिंग टू द वर्ल्ड वाइड कोविड-19 आउटब्रेक एडवांस्ड इकोनॉमीज विल सी ग्रोथ फॉलिंग 7% इन 2020 वाइल इमर्जिंग इकोनॉमीज एज अ ग्रुप विच इंक्लूड्स इंडिया विल सी ए ग्रोथ डिक्लाइन ऑफ 2.5 दिस ईयर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा ऐसे। द कोरोना वायरस पैंडेमिक विल प्लंज द वर्ल्ड इन टू अ सीवियर रिसेशन, ओके, द डीपेस्ट सिंस वर्ल्ड वॉर टू, श्रेडिंग पर कैपिटा इनकम्स एंड पुशिंग मिलियंस इन टू पॉवर्टी, ओके। द वर्ल्ड बैंक सेड द ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक 5.2 इन 2020, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हो जाएगी 5.2, और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ डिक्लाइन कितना बताया, 2.5। इट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। इन इंडिया द बैंक फॉरकास्ट दैट जीडीपी विल श्रिंक 3.2% इन द 2020-21, ठीक है। फिस्कल ईयर 2020-21 में 3.2 से श्रिंक हो जाएगी जीडीपी। व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक विल लार्जली हिट, ठीक है, जब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हिट करेगा जीडीपी और द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज द ब्रॉडकास्ट मेजर ऑफ इनकम्स जनरेटेड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज स्लैश्ड इट्स 2020-21 ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू 1.9 फ्रॉम 5.8 एस्टिमेटेड इन जनवरी। तो आईएमएफ ने क्या है जनवरी में एस्टिमेट जो है ग्रोथ प्रोजेक्शन जो लगाया था वो 5.8% का था, ठीक है। तो वो अब घटा के सीधा कितना कर दिया है, 1.9%, ठीक है। और बार्कलेज ने कितना किया है, 0% ग्रोथ बताई है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ जो फॉरकास्ट की थी वो की थी 6.1 की थी, तो अब कहाँ से 1.5 टू 2.8% पे आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ गए हैं 6.1 से सीधा 1.5 और 2.8 के बीच में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़े से फैक्ट दिए कि हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। मेंबर कितने हैं इसके, 189 कंट्रीज है, ठीक है। तो दो ग्रुप बनते हैं देखो वर्ल्ड बैंक की, एक आईडीए होता है, ठीक है, एक आईबीआरडी होता है। आईबीआरडी में 189 है और आईडीए में 173 कंट्रीज। प्रेसिडेंट डेविड मलपास जी हैं, और फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 1944 जुलाई, ठीक है, 75 साल पहले, ठीक है। अच्छा, तो ये रिसेशन एक वर्ड यहाँ पे आया था। तो ये तीन होते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन और डिप्रेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन तो आपको पता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है एक गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, उसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। तो रिसेशन क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पीरियड तक जो है हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट नीचे जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिसेशन, ठीक है। और डिप्रेशन क्या होता है, जब रिसेशन हमारा ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जब पूरी तरह से नीचे जा रही होती है बहुत टाइम के लिए, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, ठीक है।
लॉन्ग टाइम रिसेशन हमारा डिप्रेशन कहा जाता है उसे, और रिसेशन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड तक जब हमारी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही हो, ठीक है नाउ डोर स्टेप चेक स्टार्ट इन गंजम हॉटस्पॉट, ठीक है। तो भुवनेश्वर ओडिशा में क्या है, डोर स्टेप स्क्रीनिंग ऑफ 3,50,000 फैमिलीज गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो है डोर स्टेप स्क्रीनिंग हो रही है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट COVID-19 पेशेंट्स इन द हॉटस्पॉट वेयर केसेज हैव सोर्ड इन रिसेंट वीक्स आफ्टर द रिटर्न ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स की लौटने के बाद जो है COVID-19 पेशेंट्स में थोड़ा सा यानी कि बढ़ोतरी हो रही थी, तो इसलिए ओडिशा ने क्या किया है, डोर स्टेप स्क्रीनिंग स्टार्ट किया है इतनी फैमिलीज की, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ओडिशा के सीएम जो है वो है हमारे श्री नवीन पटनायक बीजेडी से, ठीक है। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। गवर्नमेंट लॉन्चेस फैसिलिटी टू फाइल जीएसटी वाया एसएमएस फॉर 2.2 मिलियन फॉर्म्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी स्टार्ट की है जिसमें आप एसएमएस के थ्रू जो है जीएसटी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 2.2 मिलियन फॉर्म्स के लिए ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। द फैसिलिटी विल सब्सटेंशियली इम्प्रूव ईज ऑफ जीएसटी कंप्लायंस फॉर ओवर 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हु हैड टू अदरवाइज लॉग इन टू देयर अकाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल एंड देन फाइल देयर रिटर्न्स एवरी मंथ, ठीक है। तो ये अब इजी वे कर दिया कि आप एसएमएस के द्वारा वो जीएसटी फाइल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एमपी यानी कि मध्य प्रदेश टू गिव परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग वर्कर्स, ठीक है। तो जो वर्कर रिटर्न मध्य प्रदेश को वापस आए हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। द एमपी गवर्नमेंट सेड ऑल माइग्रेंट लेबरर्स आर बीइंग गिवन एम्प्लॉयमेंट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, विद इन अ वीक एंड ऑल ऑफ देम वर गिवन फ्री राशन अंडर द पीएम खाद्यान्न योजना, ठीक है। पीएम खाद्यान्न योजना के तहत उनको फ्री राशन दिया जाएगा, ठीक है, जो भी वर्कर्स वापस आए हैं, और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर उनको एक वीक के अंदर अंदर जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और एमपी के गवर्नर हैं हमारे पास लालजी टंडन और सीएम इनके शिवराज सिंह चौहान। नाउ वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। तो 8 जून को हमारे पास क्या होता है, वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे इज एन इंटरनेशनल डे दैट टेक्स प्लेस एंड एनुअली ऑन द 8th of June। The concept was originally proposed in 1992 by Canada's International Center for Ocean Development and the Ocean Institute of Canada at the Earth Summit, UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल है ये, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है उनके मेंबर्स हैं उनके द्वारा लाया जाता है। थीम इसकी क्या थी, इसकी इस बार की इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, ठीक है। तो थीम याद रखनी है, डे याद रखना है, ठीक है। 8 जून को जो है ओशन डे था और थीम इसकी थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।